मटन बनाने के लिए चाहिए मटन, ऑनियन पेस्ट, चार मगज, पॉपी सीड्स, किशमिश, काजू एंड ए गार्लिक जिंजर की पेस्ट। और चाहिए कश्मीरी मिर्च पाउडर, शुगर, सॉल्ट एंड ए जीरा पाउडर एंड ए धनिया पाउडर। एक एवड़ा वाटर, ए रोज वाटर और चाहिए दही एंड मस्टर्ड ऑयल और हाफ लेमन एंड अमूल फ्रेश क्रीम 2 स्पून। शाही गरम मसाला बनाने के लिए मुझे चाहिए इलायची, गोल मरीच, शाहजीरा, लौंग और एक कबक चीनी। देखिए ये ब्लैक पेपर जैसे दिखते हैं लेकिन इसका छोटे 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 टेल्स रहते हैं। ये जीरा, जोइत्री, दालचीनी और ये स्टार और ये है जायफल। ये सब मसाले को फ्राई पैन में रोस्ट करके फिर इसको पाउडर बना लेंगे। देखिए मैं इसको पाउडर बनाने के लिए हैं। चलिए मैं अभी आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने गैस ऑन कर दी है। अब ये कुकर थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद मैं थोड़ा ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल गर्म हो गए हैं, अभी मैं मटन को एक एक करके फ्राई करने के लिए छोड़ूंगी। 3 मिनट्स तक इसको फ्राई करें फिर उसके बाद सॉल्ट ऐड करूंगी। फिर उसके बाद मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी 1 टीस्पून। इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक इसका पानी फ्राई ना हो जाए। देखिए अभी इसका पानी सूख है, ऑयल में आ गए। अभी मैं इसमें थोड़ा वाटर ऐड करूँगी, हाफ ग्लास ऑफ वाटर। अभी मैं इसको प्रेशर कुकर बंद करके 5 सीटी होने तक मीडियम फ्लेम में रख दूंगी। अभी कढ़ाई गर्म हो गया है, अभी मैं इसमें थोड़ा ऑयल डालूंगी। इसके बाद ऑनियन पेस्ट डालूंगी। इसमें थोड़ा अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। लेते हैं जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, देके फिर इसको मसाले को थोड़ा भून लेंगे। मैंने थोड़ा मीडियम कर दिया है गैस को। अभी ये मसाले में मैं ये मटन ऐड कर दूंगी। अभी देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, थोड़ा घी ऐड करूंगी। दही को मैंने पहले फेंट के रखा था।
फिर इसको चलाएंगे। पहले जो मैं काजू, किशमिश, पॉपी सीड्स, चार मगज की पेस्ट बना के रखे थे वो डाल दूंगी। ऐड करेंगे और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फ्लेवर, थोड़ा केवड़ा वाटर। मीठा अदरक 2 ड्रॉप्स मीठा अदरक, ये खाने के ही है। ये मीठा अदरक थोड़ा डालने से एक शाही वाला फ्लेवर आता है। 2 ड्रॉप्स मैं थोड़ा ये नींबू भी ऐड कर रही हूँ, आधा नींबू एज पर टेस्ट। फ्रेश क्रीम मैंने डाला है 2 स्पून के तरह। फ्रेश क्रीम थोड़ा सा मिक्स करके फिर इसको सर्व कर दें। सर्व करने के बाद